हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करते हैं हम अपना एक नया टॉपिक यूनिट फोर में, थ्री फेज इंडक्शन मोटर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट नंबर फोर का, क्योंकि इसमें इसकी वर्किंग प्रिंसिपल पूछा जाता है, स्टेटर रोटर के बारे में थोड़ी सी पूछा जाता है, मतलब कंस्ट्रक्शन पार्ट थोड़ा सा पूछ सकते हैं आपसे, और इसके टाइप्स पूछे जाते हैं। एक अगला वीडियो इसके बाद आएगा इसी सीरीज पे, दैट इज़ द स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी मत मिस करिएगा। फिलहाल अभी हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास होता है स्टेटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर के दो पार्ट होते हैं, पहला होता है स्टेटर, दूसरा होता है रोटर। स्टेटर जो होती है वो हमारी स्टेशनरी यूनिट होती है, वो मैं लिख रखा है स्टेटर, इट इज़ अ स्टेशनरी यूनिट। सेकंड पॉइंट, इट कैरी द थ्री फेज वाइंडिंग, तो ये स्टेशनरी यूनिट के साथ साथ वो थ्री फेज वाइंडिंग को कैरी करती है। इट इज़ कनेक्टेड टू थ्री फेज सप्लाई, तो ये थ्री फेज सप्लाई से कनेक्टेड होती है। फंक्शन स्टेटर का क्या होता है? फंक्शन स्टेटर का होता है इज टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड द मशीन। द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द थ्री फेज वाइंडिंग इज रोटेटिंग फील्ड। तो होता क्या है कि जो हमारा फ्लक्स होता है, जो प्रोड्यूस होता है पूरी जो हमारी मशीन में फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, वो कौन प्रोड्यूस करता है? स्टेटर प्रोड्यूस करता है। और ये फ्लक्स क्या करता है? ये द फ्लक्स प्रोड्यूस बाय थ्री फेज वाइंडिंग, और ये जो थ्री फेज वाइंडिंग से, थ्री फेज वाइंडिंग कौन कैरी कर रहा है? स्टेटर कैरी कर रहा है। तो स्टेटर ही जो है वो फ्लक्स बना रहा है थ्री फेज वाइंडिंग की हेल्प से। तो वो क्या कर रहा है? द फ्लक्स इज प्रोड्यूस बाय थ्री फेज वाइंडिंग इज रोटेटिंग फील्ड। तो वो कैसा होता है? रोटेटिंग फील्ड का होता है विच रोटेट विद सिंक्रोनस स्पीड। इस तरीके से रोटेट करता है कि वो हमारा सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करे, ठीक है। और सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होता है 120 एफ अपॉन पी, वेयर एफ इज फ्रीक्वेंसी, पी इज नंबर ऑफ पोल्स। इसको हम एनएस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो मेजरमेंट आता है वो होता है आरपीएम में, दैट इज रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। तो आई होप आपको स्टेटर पार्ट क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं रोटर के ऊपर। तो देखिए, रोटर होता है रोटेटिंग यूनिट ऑफ मशीन। रोटर इज द, नाम से ही पता चल रहा है, रोटर मतलब रोटेटिंग पार्ट है कुछ, तो रोटेटिंग यूनिट होता है मशीन का। दो टाइप के हमारे पास रोटर कंस्ट्रक्शन है। पहला है स्क्विरल केज टाइप रोटर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, पूछा जाता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो फर्स्ट इज स्क्विरल केज टाइप रोटर, सेकंड इज स्लिप रिंग और फेज वाउंड टाइप रोटर, ठीक है। तो ये हमारे दो टाइप्स हो गए। अगला है फंक्शन ऑफ रोटर। तो फंक्शन रोटर का क्या होता है? देखिए, इसमें जो फंक्शन था स्टेटर का वो था फ्लक्स प्रोड्यूस करना, और इस वाले पोर्शन में जो फंक्शन है रोटर का इज टू कैरी द रोटर कंडक्टर, ये रोटर के कंडक्टर को कैरी करता है। अगर आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल लैब ली होगी तो आपने उसमें देखा होगा कि जब एक एक्सपेरिमेंट होता है टू स्टडी द पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन, तो उसमें आपने देखे होंगे रोटर कंडक्टर, जब प्रैक्टिकल हुआ होगा आपका, तो रोटर कंडक्टर, स्टेटर कंडक्टर, ये सब आपको दिखाए जाते हैं। तो उसमें आपको एक इसका रियल पता लगेगा, और नहीं तो आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं रोटर कंडक्टर किस तरीके के दिखते हैं, ठीक है। और ये रोटर का फंक्शन जो है क्या होगा? टू इज टू कैरी द रोटर कंडक्टर। अब आगे बढ़ते हैं इसकी, देखिए डायग्राम के ऊपर। तो देखिए, स्क्विरल केज कुछ इस टाइप का दिखता है। स्क्विरल केज का अगर आपने देखा होगा, जो आपने ये लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा होगा, तो ये लैब में एक्सपेरिमेंट क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं इसकी एक डिटेल नॉलेज एक्सपेरिमेंटली वाइज भी मिले, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ना मिले। तो स्क्विरल केज कुछ इस टाइप का दिखता है, जिसमें पीछे की तरफ कुछ लाइंस टाइप दिखती हैं, आगे की तरफ कुछ इस टाइप का इसका सीन होता है, पीछे वो कनेक्ट होता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं स्क्विरल केज टाइप कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ऑफ द रोटर। दूसरा होता है हमारा ये वाला पार्ट, दैट इज, दिस इज द, अगर आप देख पा रहे हो तो दिस इज द स्लिप रिंग और फेज वाउंड टाइप रोटर, दिख रहा होगा आपको, फिगर टू रिप्रेजेंट द स्लिप रिंग और फेज वाउंड टाइप रोटर। तो इसमें क्या है? हमारा स्टेटर स्टार कनेक्शन में भी हो सकता है, डेल्टा में भी हो सकता है। तो स्टेटर कैन बी आइदर बी कनेक्टेड इन स्टार और डेल्टा। तो यहाँ पे हमने स्टार में कनेक्टेड कर दिया है, ये रोटर के एक टर्मिनल से कनेक्टेड है इसकी हर वाइंडिंग्स, और फिर उसके बाद इसको हमने कनेक्ट कर दिया है एक्सटर्नल रजिस्टर से, ठीक है, एक्सटर्नल रजिस्टर से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और बाकी तो बस ये इसका डायग्राम हो गया, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया स्लिप रिंग का, स्क्विरल केज का। कभी लिखने के लिए आ रहा है तो कंस्ट्रक्शन में आप ये स्टेटर रोटर तो लिखेंगे, साथ में डायग्राम्स बना देंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपका मार्क्स एड ऑन करेगा। अब देखिए, इसमें नेक्स्ट पार्ट है हमारा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। इसमें क्या होता है? स्टेटर प्रोड्यूसेस द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैंने देखा कि मैं आपको बताया कि स्टेटर क्या करता है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। सो वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किसी रोटर के कंडक्टर को काटती हैं, क्योंकि अभी हमने देखा था क्या कि रोटर जो है वो कैरी करता है रोटर कंडक्टर्स को। तो रोटर के कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड कौन सी काटती है? स्टेटर वाली। तो स्टेटर प्रोड्यूसेस द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विच कट द रोटर कंडक्टर। और आपको पता है कि जब किसी की मैग्नेटिक फील्ड कट होती है तो क्या होता है? उसमें कुछ ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। अकॉर्डिंग टू फराडे लॉ, आपने पढ़ा था चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस द ईएमएफ इंड्यूस्ड, ठीक है। तो वो वाला है ये, तो ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस्ड अक्रॉस द रोटर कंडक्टर, क्यों? क्योंकि उसने मैग्नेटिक फील्ड को काटा है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को काटेगा, ठीक है। इसलिए फराडे लॉ से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और अगर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा तो करंट विल स्टार्ट टू फ्लो इन द रोटर कंडक्टर। रोटर कंडक्टर में करंट स्टार्ट करेगा फ्लो करना। अब इन करंट की डायरेक्शन जो है, दिस डायरेक्शन ऑफ करंट इन रोटर कंडक्टर कैन बी फाइंड बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। और ये जो डायरेक्शन होती है करंट की, इसे हम फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा अपनी क्लास 11th 12th में, और 10th में मेनली पढ़ाया जाता है कि ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल क्या होता है। तो राइट हैंड रूल का मेनली यूज होता है करंट की डायरेक्शन निकालने में। रिमेंबर करने के लिए सबसे शॉर्ट ट्रिक होती है FIR, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल फॉर करंट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल फॉर करंट,
ठीक है। बाकी ये देखिए, ये स्टेशनरी, ये हमारा स्टेटर है, दैट इज द स्टेशनरी यूनिट, ये रोटर कंडक्टर होते हैं। डॉट दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये हो जाएगा रिलेटिव मोशन ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। थ्री फेज एसी सप्लाई से कनेक्टेड है स्टेटर हमारा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ये है, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, इसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी डायरेक्शन अब हमने देखा कि हमारा क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट इन रोटर कंडक्टर कैन बी फाइंड बाय फ्लेमिंग्स लाइफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, इतना पढ़ा कि स्टेटर जो है वो रोटेटरी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, फिर वो रोटर के कंडक्टर को काटता है, और जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड कटती है तो हमारा उससे क्या होता है, उसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस होगा, करंट जब इंड्यूस हो जाएगा रोटर कंडक्टर के अक्रॉस तो उसकी डायरेक्शन करंट की कैसे निकाल सकते हैं, रोटर कंडक्टर कैन बी फाइंड बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। अब क्या होगा कि व्हेनेवर द करंट कैरिंग द रोटर कंडक्टर, अब इन करंट से रिलेशन निकालिए, तो जब ये करंट कैरिंग का रोटर कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कराया जाता है, तो आपने पढ़ा था कि जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस कराया जाता है तो उस पर एक फोर्स एक्ट करता है, तो उस पर क्या फोर्स एक्ट करता है, एक फोर्स एक्ट करता है जिसकी डायरेक्शन आप फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, कैन बी फाइंड बाय यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो बस वही मैंने यहाँ पे लिख रखा था कि अ फोर्स विल एक्सपीरियंस ऑन रोटर कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हुज डायरेक्शन कैन बी फाइंड बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और अगर आपने डीसी मोटर की वर्किंग पढ़ी हो तो मोटर में भी तो यही होता है कि द आर्मेचर इज प्लेस्ड, द करंट कैरिंग आर्मेचर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, और जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, कट करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक फोर्स जो है एक्सपीरियंस होता है रोटर कंडक्टर पे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हुज डायरेक्शन कैन बी फाइंड बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यही इसमें भी है। हेंस रोटर क्या करता है, अब रोटर जो है वो स्टार्ट कर देगा रोटेट करना, और स्टार्ट कर देगा रोटेट करना बाय सेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारा क्या हो गया, दस इट इज अ सेल्फ स्टार्टिंग मोटर ड्यू टू टाउ एस ग्रेटर देन जीरो। अभी टाउ एस क्या है, टाउ एस होता है स्टार्टिंग टॉर्क, एस है स्टार्टिंग, टाउ है टॉर्क, तो स्टार्टिंग टॉर्क ग्रेटर हो जाएगा जीरो से, तभी तो हमारी मोटर चल जाएगी, वाली जो है हमारी इंडक्शन मोटर है, ठीक है, इंडक्शन मोटर हमारी चलने लगेगी। तो इसमें स्टार्टिंग मोटर ग्रेटर देन जीरो होता है या नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है, इसलिए हमारा ये एक सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है। सो अगर हम अपने सिंपल वर्ड्स में बात करें तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि इट इज़ अ सेल्फ स्टार्टिंग मोटर, और वहीं हमने सिंक्रोनस मोटर में पढ़ा था तो इट इज़ नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग मोटर, इसका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया सिंपल वर्ड्स में। इसका क्या है, इसका यह है कि इट इज़ अ सेल्फ स्टार्टिंग मोटर, ये सिंपल वर्ड्स में हुआ थ्री फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल। इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन जितना मैंने लिखा हुआ है उतना आपको लिख देना है, कोशिश करिएगा अपने हाथ से नोट बनाने की। देखिए पीडीएफ में तो मैं इसमें अटैच करा दूंगा, लेकिन कोशिश करें कि आप इस सब चीज़ों को अपने हैंड से नोट डाउन कर रहे हो, क्योंकि उसका एक अलग इंपैक्ट होता है, वो आप रिमेंबर कर पाते हैं और एग्जाम में फिर कहीं ना कहीं लिख भी पाते हैं। अब हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। एप्लीकेशंस देखिए इसकी बहुत जगह है, जैसे कि इंडस्ट्रियल ड्राइव में, तो ये तो पार्ट वो है जो आपको याद करना है, ठीक है, इंडस्ट्रियल ड्राइव में होता है, ड्रिलिंग मशीन्स में होता है, लेथ मशीन्स में, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल पंप्स में, टेक्सटाइल मिल्स में, एयर कंडीशनिंग प्लांट्स में, और इसी तरीके से बहुत सारी जगह और भी होता है, ठीक है। और थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत वाइड वैरायटी हैं, ठीक है, बहुत जगह हमें देखने के लिए मिलता है, और ये कहीं ना कहीं यूज़फुल है क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क कैसा है, ग्रेटर देन है जीरो से, ठीक है। तो ये मेनली जो है एप्लीकेशंस हो गई, अगर आपसे एप्लीकेशंस आता है एग्जाम में तो कम से कम 5 मिनिमम तो मेंशन करिएगा आप, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, इसके अलावा इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।